आज मेरी बेबी बनीज की 5th डे कंप्लीट होने वाले है, आज है 5वां दिन। और इधर पे धूप में बैठ के मैं बच्चों को फीडिंग करवा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो, ताकि विंटर में थोड़ी बहुत आराम मिल जाए रैबिट्स को भी। धूप में बहुत ही मज़ा आती है रैबिट्स को, बेबी बनीज को। और जब भी मैं फीडिंग करवाती हूँ ना इस तरीके से रैबिट के नीचे बच्चे रख के, तो मैं सामने हमेशा रहती हूँ ताकि बच्चे पैर के नीचे दब ना जाए या फिर चोट ना लगे। अभी थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है ना, तो बच्चों को धूप दिखाने के लिए मैं क्या करती हूँ, फीडिंग करवाने के बाद जिस टाइम पे मैं निकालती हूँ बच्चों को, उसी टाइम पे मैं फीडिंग करवाने के बाद इस तरीके से धूप दिखाने के लिए, दोपहर की जो करारा धूप होती है ना, मतलब 11:30-12 बजे या फिर 12:30 बजे की जो धूप होती है, 8-10 मिनट के लिए मैं दिखा देती हूँ, तो यही एनफ होती है। तो बच्चे इधर पे कितना रिलैक्स होके आराम से मज़े से सो रही है आप लोग देख सकते हो। फिर मैं उसको नेस्ट के अंदर डाल दूँगी। तो आज ही 5th डे, तो मैं हर एक दिन का जर्नी में शेयर करती हूँ जैसे जैसे ग्रो करते हैं धीरे धीरे, तो day 1 से लेके मैं पूरा ऐसे शेयर करूँगी। तो ये देखिए, तो थोड़ी सी और बड़े हो गए हैं बेबी बनीज, तो सारे बच्चे बिल्कुल हेल्दी हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, शिशु पॉटी भी अच्छे से कर रहे हैं, और फीमेल रैबिट भी हेल्दी है। तो आप लोग ब्लेसिंग्स देते रहना और नाम तो मुझे सजेस्ट करते रहना, मैंने 3 नाम तो आप लोगों में से सिलेक्ट करके रखना है। एंड आप लोगों के नाम भी मैं बताऊँगी, किन के नाम मैंने, किन किन सब्सक्राइबर्स के नाम मैंने चूज़ करके मेरी बेबी बनीज के नाम रखा है। सो आप लोग ज़रूर से ज़रूर नीचे कमेंट्स करते रहना। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे,